अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं ये पानी के बीच में बनी हुई है और ये बहुत अच्छी जगह पर है, यानी इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बीच में ये मस्जिद है। तो बहुत लोगों ने ये मस्जिद नहीं देखी होगी और अभी अभी मैंने असर यहाँ पर पढ़ी है, तो आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सामने इंडिया गेट है और इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है, मतलब करीब ही है। और ये देखिए ये मस्जिद, बिल्कुल ये पानी के बीच में बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। और यहीं सामने राष्ट्रपति भवन है। देखिए ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इतना अच्छा काम कर गए, और ये अभी की बनाई हुई मस्जिद नहीं है बल्कि काफ़ी पुरानी है। पार्किंग, इसके अलावा आप गाड़ी वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए हम एंट्री ले रहे हैं और ये रही वो जगह जहाँ से मैंने आपको दिखाई थी, और ये मस्जिद का एंट्रेंस है। देखिए पेड़ों के बीच में छुपी हुई है। ये यहाँ का वुजू खाना है और ये टॉयलेट्स वगैरह। इसके अलावा अब हम अंदर से आपको इसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से पानी करीब नज़र आ रहा, ये देखिए। तो ये शाही मस्जिद है और लेडीज़ के लिए भी अलग इंतज़ाम है। अब हम अंदर जा रहे हैं, देखें ये आपको नज़र भी आ जाएगा कि शाही अंदाज से ये मस्जिद बनी हुई है। तो कभी भी आप कहीं भी जाएं वहाँ पर देखें कि कौन सी मस्जिद है, कैसी है, वहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है, या अगर सफाई की ज़रूरत है तो वहाँ सफाई कर दें। तो ये देखिए सहाबा किराम जब भी किसी बस्ती में जाया करते थे, कहीं पर जाया करते थे, तो वो सबसे पहले मस्जिद ढूंढते थे, वहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं, नफिल पढ़ते तहियतुल मस्जिद तहियतुल वुदू, और उसके बाद अपने काम पर जाया करते थे या जिससे मुलाकात करनी हुआ करती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामूल था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शाही मस्जिद ज़ाब्तागंज, और ये इसलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि ये गैर रिहायशी इलाके में है, मतलब यहाँ पर आसपास कोई मोहल्ला वगैरह नहीं है जहाँ से इसमें चंदा इकट्ठा किया जा सके। इसलिए यहाँ पर जो भी काम होता है वो जो हजरात नमाज़ पढ़ने आते हैं उन्हीं के ताबून से होता है। देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर और काफ़ी सुकून भी मिला। और अब मैं आपको इस मस्जिद को बैक साइड से दिखाऊंगा ताकि व्लॉग के ज़रिए भी आप देख सकें। ये देखिए ये मैं चल रहा हूँ और ये बैक साइड से, और सामने राष्ट्रपति भवन है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये मैं बैक साइड से इसका व्यू ले रहा हूँ, क्या खूबसूरत अल्लाह का घर है। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा इंडिया गेट और ये रही मस्जिद, और वो रहा थोड़ी दूरी पर राष्ट्रपति भवन। तो ये जो रोड है ये जनपद कहलाता है, यहीं पर ही परेड होती है 26 जनवरी की। देखिए ये आपको राष्ट्रपति भवन मैंने फुल जूम कर दिया, नज़र आ रहा होगा। और अभी सर्दियों का थोड़ा कोहरा है जिसकी वजह से थोड़ा धुंधलापन है। तो बहुत खुशी होती है ये देख कर के हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम भी कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी नस्लें उन कामों को देखें, उन चीज़ों को देखें और उनकी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट आए। अब देखें, मुझे नमाज़ पढ़नी थी तो मैं इजीली यहाँ पर आ गया और मैंने पढ़ ली। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। लोग इंडिया गेट तो आते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत कम आते हैं, तो ताकि वो लोग इस मस्जिद को देखें। दूसरी तरफ से ये ऐसी नज़र आती है, और ये देखिए अब यहाँ पर 26 जनवरी की तैयारी हो रही है, इसके बीच में एक पुल बना रहे हैं, आपको इसमें नज़र आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी में परेड निकलती है, तो उसी की तैयारी इस वक्त हो रही है। हमेशा मेरी चाहत यही रहती है कि किसी ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए जो नई हो और लोग वहाँ से वाकिफ ना हो, इसी वजह से मैंने यहीं पर ही नमाज़ अदा करी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ये रात का मंज़र है, देखिए लाइट्स जल गई और ये, तो अब हमने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से।
तो ये मैंने बाद में ख़त्म, तो मैंने पहले कर दिया था व्लॉग, लेकिन बाद में ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ी मंदरकशी करी है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर दुआ में मुझे खुसूसन याद रखें।